दोस्तों Xiaomi तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नए स्मार्टफोन जिसको कि बोला जा रहा है देश का स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ स्पेशली Redmi 10A के बारे में। इसका लॉन्च डेट जो ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है कंपनी के द्वारा कि इंडियन मार्केट में कब हमें देखने को मिलेंगे, महज एक सप्ताह के अंदर ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे। और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कब ये लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में, इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा और इसकी प्राइसिंग क्या होगी इंडियन मार्केट में वो भी बताऊंगा। इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ Redmi 10A से रिगार्डिंग, तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे Redmi 10A के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे आपको एक 6.53 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, कोई भी यहां पे आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। अब जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है उस प्राइस रेंज पे डिस्प्ले यहां पे ठीक ठाक कह सकते हैं, अच्छी है, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सामने की तरफ जो आपको वाटर ट्रॉप स्टार्टिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ला कर दिया गया है। अब बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ यहां पे आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेंगे। हां वहां पे कैमरा अलाइनमेंट बहुत सारा करा गया है, बट नहीं, वहां पे आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलते हैं जो कि आएगा यहां पे 13 मेगापिक्सल के साथ में। अब दोस्तों यहां पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 10 वाट के चार्जिंग के साथ में आएगा। अब 10 वाट का चार्जिंग भाई इस प्राइस रेंज पे यही मिलेगा, इससे ज़्यादा मतलब चाहती तो 18 वाट दे देती तो काफ़ी अच्छा रहता, Xiaomi है देती 18 वाट तो अच्छा रहता, बट नहीं, 10 वाट का ही चार्जिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे वो देखने को मिलने वाला है MediaTek की तरफ से, MediaTek का Helio G25 चिपसेट। जी हाँ, G25 जो कि एक बहुत ही पुराना चिपसेट है। खैर यहाँ पे आपको बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट भी दे दिया गया, तो आप SD कार्ड लगाकर और भी ज़्यादा इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेंगे। ये स्मार्टफोन जो है MIUI 12.5 पर रन करेगा, जो कि Android 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियस है इस प्राइस रेंज में Android 12 हम अभी फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की थिकनेस है वो 9mm की है, इसका जो वेट है वो 194 ग्राम का है। ये रही यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए आपसे बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो होने वाली है अप्रॉक्स, आप मानकर चलिए 8500 रुपये या फिर 9000 हो जाए, और कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाती है तब 8500 होगी, नहीं तो 9000 रुपये इसकी प्राइसिंग आप मानकर चल सकते हैं। उससे कम रखेगी मतलब बहुत कम रहेगी तो 8500 रुपीज़ या फिर 9000 रुपीज़, यही दोनों में से कोई एक प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। एग्रेसिव जाएगी तो 8500 रख देगी और नहीं जाएगी तो 9000 रख देगी, और मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बैंक ऑफर्स लगाने के बाद आपको कुछ और कम में देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ यही दोनों में से एक होने वाली है। अब दोस्तों इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे Xiaomi ने ऐसा टीज कर दिया है कि हम लेकर आ रहे हैं देश का स्मार्टफोन Redmi 10A लॉन्चिंग ऑन 20/4/2022, मतलब 20 तारीख को ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में दस्तक दे देगी। अब दोस्तों जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा देन मैं अपना यहाँ से फ्रैंक ओपिनियन दे पाऊंगा, क्योंकि 15 तारीख को यहाँ पे जो है एक और स्मार्टफोन आ रहा है Infinix की तरफ से, Infinix Hot 11 2022 करके, फिर उधर से Realme अपना Realme Narzo 50A Prime लेकर आ रहा है इसी महीने में, वो भी लॉन्च होने वाला, उसके बाद उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे Xiaomi भी लेकर आ रहा है अपना Redmi 10A, तो Redmi 10A हो गया, Infinix Hot 11 2022 हो गया, ऊपर से उधर Realme Narzo 50A Prime हो गया, तो इन तीनों में मतलब जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो आपको रिकमेंड कर दूंगा। बस लॉन्च हो जाने दीजिए, लॉन्च हो जाएगा उसका यहाँ से अपना फ्रैंक ओपिनियन दे पाऊंगा। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी फिलहाल जो आपको देना चाहता था Redmi 10A से रिगार्डिंग। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। दोस्तों मिलता हूं आपसे ऐसे एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।